नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एग्जाम आर पार में। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज टॉपिक, यानी जो मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ELCB और RCCB। ठीक है दोस्तों, यानी ELCB और RCCB क्या रहेगा दोस्तों, हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, जो मेरी पहली जो वीडियो थी, मैं आपके लिए लेके आया था MCB और MCCB के बारे में। ठीक है, यानी जो पहले मैंने डिस्कस किया था MCCB और MCB में, मैं आपके लिए पहले वीडियो लेके आया था। यानी मेरे आपने अगर मेरी पहले वाली वीडियो देखी हो, एक MCB के बारे में आपको बताया था, फिर मैंने आपको बताया था MCCB के बारे में, और उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ ELCB क्या होता है और RCCB क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यानी आपके लिए पॉइंट रहेंगे, एग्जाम के व्यू से जो पॉइंट रहेंगे और इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक के साथ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बात कर MCB की, पहले बात करते हैं, मान लो MCB की अगर मैं बात करूँ, देखिए दोस्तों MCB क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर था हमारा। MCB क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो क्या करता है जनरली हमारा शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन में क्या करता है, सर्किट की सेफ्टी करता है। अगर मैं बात करूँ सेफ्टी कैसे करता है दोस्तों, यानी जो प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन जो करता है, किसका प्रोटेक्शन करता है दोस्तों, सिस्टम प्रोटेक्शन करता है। किसका प्रोटेक्शन करता है, सिस्टम का। यानी जो MCB जो हमारी यूज की गई थी, MCB की बात करूं या MCCB की बात करूं, तो किसके लिए यूज होती है दोस्तों, प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए। सिस्टम क्या किसका करता है, प्रोटेक्शन करता है किसका, सिस्टम का। यानी सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं। बात करते हैं दोस्तों ELCB और RCCB की। देखिए दोस्तों, अब हमने MCB लगाई घर में, MCCB लगाया कहीं पर इंडस्ट्रियल में, कॉमर्शियल बिल्डिंग में, या अगर बात करूं दोस्तों, पहले हम यूज करते थे फ्यूज। पहले हम क्या यूज करते थे दोस्तों, फ्यूज का इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना, आपने फ्यूज पढ़े होंगे कि ये क्या था हमारा, किटकैट फ्यूज आता था। ठीक है दोस्तों, किटकैट फ्यूज आता था, एक कार्ट्रिज फ्यूज आता था हमारा, और एक क्या आता था दोस्तों, HRC फ्यूज आता था। क्या आता था हमारा, HRC फ्यूज आता था। एक किटकैट फ्यूज, एक कार्ट्रिज फ्यूज, और एक क्या आता दोस्तों हमारा, HRC फ्यूज आता था। HRC फुल फॉर्म पूछी जाती है तो क्या होती है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी होती है। क्या होती है दोस्तों, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये हमारे फ्यूज थे। तो जनरली जब बात करते हैं फ्यूज की, बात करें MCB की, बात करें MCCB की, बात करें, तो जनरली ये जब यूज करते हैं, ये यूज करते हैं दोस्तों सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए। क्या यूज करते हैं, सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए हमने यूज कर लिया है, बट हमारा प्रोटेक्शन के लिए क्या है ना, जी इंसान होता है, ह्यूमन बॉडी ह्यूमन होता है जनरली, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए जनरली हमने ये बनाया, एक ELCB होती है और एक RCCB होती है। ठीक है ना, क्योंकि जो MCB होती है दोस्तों, MCB केवल ऑपरेट कब हो रही है, MCCB ऑपरेट कब हो रही है, यानी सर्किट को ट्रिप करेगी या ऑपरेट कब होगी जनरली, ये एक तो ओवरलोड पर, ठीक है, यानी फर्स्ट ओवरलोड, और दूसरा शॉर्ट सर्किट के दौरान, दूसरा शॉर्ट सर्किट के दौरान क्या होगी, ऑपरेट होती है। प्रिंसिपल दोनों का सेम ही रहता है जनरली, प्रिंसिपल दोनों का सेम ही रहता है, थर्मल वाला रहता है और एक मैग्नेटिक रहता है ना। यानी ओवरलोड वाला बात करें तो थर्मल पर हो जाता है, शॉर्ट सर्किट फॉर मैग्नेटिक के लिए होता है जनरली। ठीक है ना, तो आपको इसी का याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसके लिए। यानी ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए तो हमने क्या यूज करते हैं दोस्तों, RCCB या ELCB यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं ELCB या RCCB का यूज करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। यानी अगर MCB किसके लिए बताया हमने, सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए, सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए, तो MCB MCCB। पर ह्यूमन प्रोटेक्शन की बात करूँ, किसकी बात करूँ दोस्तों, मैं ह्यूमन का प्रोटेक्शन की बात करूँ, तो ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए क्या जनरली यूज करते हैं हम, RCCB या ELCB का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना, ELCB और RCCB का क्या करते हैं, सिस्टम प्रोटेक्शन के साथ साथ, ये सिस्टम प्रोटेक्शन भी करेगा साथ साथ हमारा ह्यूमन प्रोटेक्शन भी करेगा। ठीक है, आप लोगों को इसी का दोस्तों याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं अपना। अब ELCB होती क्या है, ठीक है ना, ELCB और RCCB जनरली हमारी होती क्या है। देखिए दोस्तों, तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ELCB के बारे में जनरली, कि ELCB ऑपरेट कैसे होती है, वर्किंग कैसे होती है। ठीक है ना, तो चलिए इसमें देखते हैं थोड़ा सा, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसे। देखिए दोस्तों, यानी ये मैं आपको बना रहा हूँ फिलहाल एक आपको ELCB के लिए। किसके लिए दोस्तों, ELCB के लिए। यानी ये क्या है हमारा, एक लोड है। ये क्या है हमारा, एक लोड है दोस्तों। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, इधर इसको बनाते हैं। यानी ये देखिए, ये इसकी एक कॉइल होती है,
ठीक है दोस्तों, ये कोयल हमारी कुछ यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये अर्थ हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे अर्थ हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, अर्थ हो जाएगी। इसको हम सेंसिंग कोयल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिप कोयल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ट्रिप कोयल, इसको मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी बॉडी होती है, नहीं हमारा जो लोड लगा हुआ है, इसको क्या बोलता हूँ मैं, लोड बोलता हूँ, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो मैंने इसको यहाँ पे देखो, इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसको भी अर्थ करते हैं। क्या करते हैं, इसको अर्थ कर देते हैं। ठीक है ना, इसको यहाँ से भी क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। यानी जो हमारा लोड लगा हुआ है, उसको भी क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे। और जो हमारी MCG, हमारी जो अब ये हमारी ELCB, ये क्या है दोस्तों, हमारी ELCB, क्या है, ELCB है। तो इसमें क्या करेंगे, ये हमारा फेस हो गया, ठीक है दोस्तों, और ये क्या हो गया हमारा न्यूट्रल, यानी ये हमारा फेस हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों, न्यूट्रल हो गया, या इसको लाइन बोल दो या इसको न्यूट्रल बोल देते हैं। ठीक है ना, इसको L1 भी, इसको L भी लिख सकते हैं और इसको न्यूट्रल लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, फेस बोलो चाहे लाइन बोल दो, एक ही बात आती है। ये हमारा क्या होगा, ट्रिप कॉइल हो गया। ये हमारा क्या होगा, DPIC बोल दिया मैंने, एक मेरे प्रकार की स्विच हो गया। क्या होगा दोस्तों, हमारा टर्मिनल होगा स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है ना, जब ट्रिप कॉइल सेंस करेंगे तो क्या कर देगी, ऑपरेट कर सकती है, ऑन ऑफ इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इस चीज का याद रखना है। ये जो हम लगा होता है दोस्तों, ये होता है लिमिटिंग रजिस्टर होता है। क्या होता है, लिमिटिंग रजिस्टर होता है। क्या होता है दोस्तों, लिमिटिंग रजिस्टर होता है। तो देखिए दोस्तों, और ये क्या होता है, प्रोटेक्शन, मेटल प्रोटेक्टेड वर्क, मेटल प्रोटेक्टेड वर्क, यानी जो कुछ भी वर्क कर रहे हैं, यानी कोई भी हमारा लोड है, उसकी मेटल है, तो उसको क्या करते हैं दोस्तों, अर्थ कर देते हैं। क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं। तो उसको लिखा मेटल प्रोटेक्टेड वर्क, यानी प्रोटेक्ट का मतलब क्या हुआ, उसका अर्थ से क्या हमने प्रोटेक्ट कराया। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी ELCB होती है, कौन सी होती है दोस्तों, हमारी ELCB जो होती है, ELCB में क्या व्यवस्था होती है दोस्तों, यानी एक लाइन के लिए टर्मिनल होगा हमारा, न्यूट्रल के लिए होगा। ठीक है, अगर मैं इसका एक और आपको डायग्राम से समझाता हूँ, इसको रफ कर देते हैं और मैं आपका एक और आपको डायग्राम बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कि आपकी जो ELCB होता है, जो ELCB जो फंक्शन होता है जनरली, कि एक इसका डायग्राम ये भी होता है हमारा, ये देखिए, ये फेज है, ये क्या है दोस्तों, न्यूट्रल हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लाइन आई, ये फेस हो गया हमारा, ये भी क्या हो गया दोस्तों, न्यूट्रल हो गया। ठीक है ना, एक आप इनपुट मान लीजिए, एक आप क्या मान लीजिए, आउटपुट मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या होता है, ये होता है दोस्तों हमारा ग्राउंड हो जाता है। ये क्या होता है हमारा ग्राउंड होता है, ये फेस आता है, ये न्यूट्रल आता है, ये फेस है, न्यूट्रल है। इसको मान लीजिए आप टू लोड की तरफ मान सकते हैं, टू लोड के लिए मान सकते हैं, और इसको क्या मान सकते हो, इनपुट मान सकते हो, उसको क्या मान सकते हैं, इनपुट मान सकते हैं। पर इसमें एक टर्मिनल से टर्मिनल क्या होता है, अर्थ का टर्मिनल होता है। क्या होता है दोस्तों, अर्थ का टर्मिनल होता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी ELCB होती है, जनरली काम कैसे करती है, कि जो हमारा इक्विपमेंट है जनरली, है ना, हमारा जो इक्विपमेंट है, हमारी ELCB है, उसमें क्या होगा, जब ये ELCB वर्क ही हमारा जनरली तब वर्क करेगा हमारा दोस्तों, यानी जो ELCB होती है जनरली हमारा वर्क केवल तब करती है, जब जनरली हमारी दोस्तों ये जो अर्थ है हमारा, यानी जो मेटल है हमारा, जो हमारा कोई वर्क है, हमारा कोई भी बात करो, मोटर की बात करो, कोई इस प्रकार का लोड है हमारा, इसमें जो टर्मिनल होगा हमारा ELCB में, जब तक इसके थ्रू करंट नहीं आएगा ना दोस्तों, यानी इसको भी अर्थ नहीं करेंगे, इसको अर्थ जब तक अर्थ नहीं करेंगे, और जो हमारा जो करंट होता है जनरली, ये ऐसे नहीं आएगा यहाँ तक, तब तक हमारी कॉइल ट्रिप नहीं होगी। इसको एग्जाम्पल और समझ सकते हैं दोस्तों, कि मैं बात करूँ, देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, कोई लोड हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, हमारा कोई लोड हो गया। ठीक है ना, और ये क्या कर रखा है, लोड को हमने अर्थ कर रखा है। क्या कर रखा है दोस्तों, लोड को हमने अर्थ कर रखा है। ये हमारी क्या है, ट्रिपिंग कॉइल है। ये क्या है, हमारी ट्रिपिंग कॉइल है। अगर मैं आपको इस प्रकार से समझाऊं दोस्तों, देखिए बात करते हैं, देखिए दोस्तों, यदि हमारी कोई, ये हमारा कोई, ये दोस्तों देखिए, ये फेस है हमारा, ये क्या है, न्यूट्रल आया। ठीक है दोस्तों, हमने फेस यहाँ से लिया, न्यूट्रल यहाँ से लिया, ये हमारी कोई मोटर है। ये क्या है दोस्तों, कोई हमारी मोटर है, जो कि है वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हमारी कोई मोटर है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, इसको पहुँचा देते हैं, ये न्यूट्रल आ गया और ये क्या आ गया दोस्तों, फेस आ गया। यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, फेस आ गया। ठीक है ना, यानी हमारा ये हमारा फेस आ गया यहाँ से, इस मोटर को, यहाँ से हमें न्यूट्रल मिल गया मोटर को। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूँ मैं मोटर को, यहाँ से चलो ये ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, यहाँ से मोटर को ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, जनरली अब लीकेज करंट जनरली बात करूँ मैं, तो जो हमारी ELCB जनरली वर्क करती है, जैसे ये बात करता हूँ, अगर हमारा, यानी ये ट्रिप किस कंडीशन में होगी, या RCCB हमारी ट्रिप किस कंडीशन में होगी, तो देखिए दोस्तों, अगर यदि कोई मनुष्य, कोई आदमी, इंसान इसको टच कर लेता है, ठीक है ना, इसके संपर्क में आता है, कोई भी है, इसको क्या होगा, इसके संपर्क में आ गया। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया, इसके टच में आ गया, और यहाँ पे क्या अर्थ हमारा,
इस मोटर को सप्लाई मिल रही थी, मोटर चल रही थी, तो इसमें करंट फ्लो होगी दोस्तों। अब जो अगर आपने कहीं से वायर का इंसुलेशन वीक था या हटा हुआ था, कुछ भी कंडीशन थी, उसने मनुष्य ने इसका वायर को टच करा, इस संपर्क में आया, तो क्या होगा, कुछ करंट क्या होगा दोस्तों, इस ह्यूमन बॉडी में फ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इस ह्यूमन बॉडी में फ्लो हो जाएगा, भले मिली एम्पीयर करंट हो, कितने भी एम्पीयर करंट हो, वो ह्यूमन बॉडी में क्या होगा, फ्लो होगा। तो जैसे इस ह्यूमन बॉडी में फ्लो होगा, तो दोस्तों यहाँ पे जो जितना आपसे फेस था, न्यूट्रल था, जितना यहाँ से करंट आ रहा था, उतना न्यूट्रल में वापस नहीं जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यानी वर्क कैसे करती है कि जितना करंट फेस से हमारा गया है, उतना न्यूट्रल से करंट क्या आना चाहिए, वापस होना चाहिए, ठीक है ना, आपको इसी का याद रखना है। यानी जितना मेरा फेस करंट यहाँ से गया है दोस्तों, उतना न्यूट्रल से क्या होना चाहिए, वापस आना चाहिए। पर ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा किसी ने क्या होगा, टच में आ गया है, कोई भी इंसान हो चाहे कोई भी जीव हो, अगर इसमें टच में आएगा यहाँ पे, तो इसका क्या करंट होगा, यानी जो कुछ मिली एम्पीयर करंट होगा, वो कहाँ को फ्लो होगा, इस इंसान के थ्रू फ्लो होता होगा, कहाँ चलाएगा दोस्तों, ग्राउंड में चला जाएगा। यानी करंट में क्या आ जाएगा दोस्तों, डिस्टर्बेंस आ जाएगा, यानी करंट में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी करंट कली क्या जाएगी दोस्तों, चेंज होगी। जब करंट कली चेंज हो जाएगी, तो हमारी एलसीबी क्या हो जाएगी दोस्तों, ट्रिप हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, ट्रिप हो जाएगी, आपको इस चीज का याद रखना है, ठीक है ना। यानी इसे क्या हो जाएगा, यानी करंट में चेंज आएगा, यानी जितना फेस से करंट गया, उतना न्यूट्रल से वापस तो नहीं आएगा, क्योंकि क्या हो गया, यहाँ पे इसके थ्रू क्या चला गया, ग्राउंड चला गया, या क्या हो सकता है, ये तो होता डायरेक्ट हमारा, यानी डायरेक्ट टच हुआ था वायर के साथ। अब बात करता हूँ दोस्तों, हमारी मोटर है, मोटर चल रही है, कोई मोटर में इंटरनली फॉल्ट आ गया है ना, इंटरनली का फॉल्ट का मतलब कि मोटर का इंसुलेशन वीक हो गया, या वाइंडिंग से कोई वायर छिला और बॉडी से क्या हुआ, टच हुआ। अब अगर कोई भी इंसान इसको बॉडी के टच हाथ लगा, तो भी क्या होगा, वो ग्राउंड से टच हो जाएगा। भाई जो करंट था बॉडी में आ चुका, बॉडी पे आप हाथ लगाओगे तो आपके हाथ के थ्रू होता हुआ ग्राउंड चला जाएगा, तो भी करंट में क्या होगा, चेंज होगा, तो भी क्या हो जाएगा, हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा दोस्तों। सर्किट क्या हो जाएगा, मेरा ट्रिप हो जाएगा। पर आपको एक चीज ध्यान रखना होगा दोस्तों, जो ELCB होती है हमारी, ELCB में दोनों की अर्थिंग होनी, दोनों अर्थिंग काम करती है, तब जाकर क्या करता है, हमारा वर्क करता है। यानी ELCB जो दोस्तों ट्रिप होती है हमारी, कब ट्रिप होती है, यानी ELCB ट्रिप के लिए क्या होगा, जब तक ये वायर ग्राउंड तो होगा, यहाँ पे तो ग्राउंड होगा ही, ये जब तक हमारा ELCB के जो ट्रिपिंग कॉइल है हमारी, जो ELCB होती है इसमें जो टर्मिनल होते हैं, उसमें ना जाए घूम के वायर, तब तक क्या नहीं होता, ट्रिप नहीं करती ELCB, ठीक है दोस्तों, तब तक ELCB ट्रिप नहीं होगी। यानी जो अर्थिंग वायर है वो कहाँ पे आना चाहिए, जो हमारा टर्मिनल होते हैं हमारे ELCB में, वो हमारा लोड से घूमता वहाँ पे अंडरग्राउंड होता हुआ कहाँ आना चाहिए, उस रिले टर्मिनल में आना चाहिए। यानी रिले टर्मिनल की बात करूँ, जो हमारी ELCB होगी, जिसमें टर्मिनल होंगे, अगर ये लाइन है, ये न्यूट्रल है, तो अर्थ है, तो अर्थ का टर्मिनल कहाँ से आना चाहिए, लोड से आना चाहिए ग्राउंड होने के बाद, तभी जाकर क्या होगी, ELCB मेरी ट्रिप होगी, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों RCCB की, बात करते हैं RCCB की। तो देखिए दोस्तों, ELCB और RCCB में डिफरेंस होता है, आपको ध्यान रखना है कि ELCB में कंटिन्यूसली क्या चाहिए, अर्थिंग की आवश्यकता होगी। अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं होगी, तो आप ELCB जनरली वहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है, आपको इस चीज़ का याद रखना है। यानी ELCB के लिए अर्थिंग अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों, यानी ELCB के लिए क्या है, अर्थिंग अनिवार्य होती है, आपको इस चीज़ का याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं RCCB की दोस्तों, बात करते हैं, ठीक है, यानी इसको रफ कर देते हैं। और देखिए दोस्तों, यानी जैसे कि ELCB में तो आपको बता दिया ELCB क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं, क्या फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, फुल फॉर्म तो आप जनरली पता ही होती है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या बोलते हैं इसको, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हो दोस्तों RCCB, किसकी बात करते हैं दोस्तों, RCCB की बात करते हैं, कि RCCB होता क्या, देखिए RCCB फुल फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों, तो RCCB की फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म इसकी होती है, देखिए दोस्तों, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है, कहीं कहीं देखिए दोस्तों आपको लिखा मिलेगा RCD, क्या लिखा मिलेगा दोस्तों, RCD होता है, तो आपको इसके याद रखना है। देखिए दोस्तों, जो हमारे फॉरेन कंट्रीज वगैरह होती है, अमेरिका की अगर बात करूँ, यूएसए वगैरह की बात करूँ, तो वो उसको RCCB ना बोलकर केवल क्या बोलते हैं, RCD बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RCD बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल करंट डिवाइस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम, क्या बोलते हैं दोस्तों, रेसिडुअल करंट डिवाइस बोल देते हैं, और कुछ नहीं है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि RCD क्या होती है, कि RCCB क्या होती है। देखिए दोस्तों, सेम होता है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो फॉरेन कंट्रीज वगैरह होती हैं, वो RCCB इसको ना बोलकर क्या बोलते हैं, सर्किट ब्रेकर को ना बोलकर CB नहीं बोलते, सर्किट ब्रेकर को क्या बोल देते हैं, करंट डिवाइस बोल देते हैं, या सर्किट डिवाइस बोल देते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, रेसिडुअल करंट डिवाइस बोलते हैं इसको, ठीक है। और RCCB को वैसे हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, रेसिडुअल करंट, ठीक है दोस्तों। तो बात करता हूं मैं इसकी, इसको आप फर्दर फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम RCCB की, ठीक है ना, RCCB की बात करते हैं। चलिए दोस्तों,
इसका पहले एक डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों। ये हमारा स्विच हो गया दोस्तों, ये हमारी क्या होगी, वो एक सेंसिंग कॉइल, इसको क्या बोलता हूँ मैं, सेंसिंग कॉइल बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, सेंसिंग कॉइल बोल सकता हूँ, ठीक है ना, क्या बोल सकते हो दोस्तों, सेंसिंग कॉइल बोल दो या ट्रिप कॉइल बोल दो, क्या बोलते हैं, ट्रिप कॉइल बोलेंगे इसको, सेंसिंग कॉइल को हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी हमारी कॉइल होती है जो क्या होगी दोस्तों, हमारी कोर हो गई, ठीक है ना, ये क्या है हमारी कोर, ठीक है दोस्तों, ये क्या होगी हमारी कोर हो गई, ठीक है, इसको हम सेंसिंग नहीं बोलते, इसको हम ट्रिप बोल देते हैं, इसको क्या बोल देंगे हम, ट्रिप कॉइल बोल देते हैं, ठीक है ना, सेंसिंग को यहाँ पे रखेंगे, ये क्या होगी हमारी ट्रिप कॉइल हो गई, ठीक है दोस्तों। इसमें आते हैं एक हमारी, ये हमारा कुछ इस प्रकार से टर्न होंगे और ये इस प्रकार से क्या होगी दोस्तों, कनेक्ट होगी, यानी इस कॉइल को मैं क्या बोलूँगा, सेंसिंग कॉइल, इसको क्या बोलूँगा दोस्तों मैं, सेंसिंग कॉइल बोलूँगा, ये जो हमारा लाइन आई, ये टर्न लगा और ये चली जाती है ऐसे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये लाइन है हमारी दोस्तों, ये इसको लाइन बोल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोल देते हैं। तो ये हमारा स्विच के बाद आया यहाँ से आ निकल के और यहाँ पे टर्न, और फिर ये कहाँ चली जाती है, आगे चली जाती है, इधर क्या हो गया हमारा, किधर चली गई दोस्तों, टू लोड की तरफ, किधर चली गई, टू लोड, ठीक है, आपको इस चीज़ का याद रखना है। यानी ये कोर होती है हमारी, ये क्या होगी हमारे दोस्तों, कोर हो गया, टोराइड बोल सकते हैं इसको, टोराइड तो या जनरल बोलते हैं, फिलहाल कोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, कोर है जिसमें हमारी वाइंडिंग्स होती हैं, यानी एक है वाइंडिंग ये हमारी, ये कॉइल लपेट देते हैं, एक सेंसिंग कॉइल है हमारी, ठीक है दोस्तों, ये क्या होगी हमारी, सेंसिंग कॉइल होगी, ये क्या होगी, ट्रिप कॉइल होगी, ये क्या होगी हमारी, ट्रिप कॉइल होगी, कि अगर कोई करंट की वैल्यू में चेंज होगा, ठीक है ना, रेसिडुअल करंट, रेसिडुअल करंट का मतलब जैसे कि आपको ELCB में बताया था, जनरली वर्किंग सेम होती है, बस फर्क इतना हो जाता है कि आजकल एक चीज और याद रखना दोस्तों आपको, ELCB का जो प्रचलन है वो लगभग समाप्त हो चुका है, वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, उसकी जगह ले लिया हमने RCCB ने, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है दोस्तों की अर्थिंग प्रोवाइड की जाए, इसमें अर्थिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, इसमें केवल लाइन ऑफ न्यूट्रल से ही क्या चल जाता है, हमारा कार्य चल जाता है, ठीक है, आपको इस चीज का याद रखना है, ठीक है। तो जनरली यूज क्या कर लेते हैं हम, RCCB यूज होती है, ठीक है ना, RCCB क्या होती है, यूज होती है, और ELCB जो अगर मैंने आपको था कि तो ये ऑपरेटर इसका पूछ लेता है, तो दो प्रकार की हो जाती है जनरली, एक वोल्टेज ऑपरेटेड और एक करंट ऑपरेटेड, ऐसी इस प्रकार से होती है, एक वोल्टेज ऑपरेटेड और एक करंट ऑपरेटेड, ठीक है दोस्तों, एक वोल्टेज ऑपरेटेड होती है और एक क्या होती है, करंट ऑपरेटेड होती है, ठीक है ना। तो वोल्टेज ऑपरेटेड में क्या होगा, करंट ऑपरेटेड में क्या होगा, तो देखिए दोस्तों वोल्टेज ऑपरेटेड का मतलब क्या होता है, जनरली कुछ नहीं है कि जो वोल्टेज के द्वारा ऑपरेट हो और ये करंट के द्वारा ऑपरेट हो, यानी वोल्टेज में कम ज्यादा कुछ वैल्यू हो तो ऑपरेट हो जाएगी, और करंट में कम ज्यादा वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी। तो वोल्टेज में एक बात करते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ आपके, जो आपका वर्क है हमारा, यानी जो लोड लगा हुआ है, लोड और अर्थ के बीच का पोटेंशियल 24 वोल्ट से ज्यादा हो जाए, कितना हो जाए दोस्तों, 24 वोल्ट से ज्यादा डिफरेंस आ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा चेंज हो जाए, तो ELCB क्या हो जाएगी, मेरी ट्रिप कर देगी, क्या कर देगी, सर्किट को मेरा ट्रिप कर देगी, क्या कर देगी दोस्तों, सर्किट को ट्रिप कर देती है, ठीक है, आपको इस चीज का भी याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं हम RCCB की, तो RCCB हमने डायग्राम बना लिया, हमारी ट्रिप कॉइल होती है, ये सेंसिंग कॉइल होती है, ये हमारी कोर होती है जिसपे क्या होता है, लिम्स एंड कोर्स होती है जिसपे क्या होता है, टर्न्स लगा था, कॉइल्स लिपटी रहती है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है जनरली दोस्तों, RCCB में ऐसा कुछ नहीं होता, RCCB में क्या होता है जनरली, कि यदि हमारा कोई भी कंडक्टर लोड है, जनरली करंट फ्लो हो रही है उसमें, तो क्या होगा, अगर करंट के वैल्यू में ज्यादा चेंज आएगा दोस्तों, यहाँ से करंट आई, करंट के वैल्यू में चेंज आया, करंट के वैल्यू चेंज आता है, जनरली बात करता हूँ मैं मिली एम्पियर में, किसमें, मिली एम्स में, यानी जनरली जैसे हमारा ELCB वर्क करती है, जस्ट वर्क भी क्या करती है, RCCB करती है, इसमें अर्थिंग कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें अर्थिंग कोई प्रोवाइड नहीं करा गया हमने, तो इसमें क्या होगा, अगर यदि करंट के वैल्यू मेरा मान लीकेज करंट हो जाए, कहीं क्या हो जाए, लीकेज करंट हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों, मेरा लीकेज करंट हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, लीकेज करंट अगर हमारा होगा, तो लीकेज करंट के केस में क्या होगा, ELCB हमारी या RCCB हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, ट्रिप हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, RCCB क्या हो जाएगी हमारी, ट्रिप हो जाएगी। अब ट्रिप कैसे होगी, जनरली जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था दोस्तों ये वाला, कि ये न्यूट्रल हो गया, ये फेस हो गया, ठीक है ना, ये इनपुट है हमारा, ठीक है, यहाँ से आउटपुट लिया और हमने क्या दे दिया, एक मोटर को दे दिया है, क्या दे दिया हमने, मोटर को दे दिया है, ठीक है ना। तो ये एक हमारा न्यूट्रल था, ये हमारा क्या था, फेस था दोस्तों, ठीक है ना, ये न्यूट्रल था, ये फेस था,
ये गया न्यूट्रल हमारा यहाँ से यहाँ तक और ये फेस गया यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा होता है कि जितना करंट आपका फेस से गया है उतना न्यूट्रल से क्या होना चाहिए, बैक होना चाहिए, यानी प्रोसेस चलता रहेगा। जितना फेस से करंट निकल के जाएगा न्यूट्रल से क्या होता रहेगा, बैक होता है। तो न्यूट्रल का कार्य क्या होता है दोस्तों, करंट को वापस लेके आना परिपथ में, ठीक है ना, करंट को क्या लेके आना, वापस लेके आना, सर्किट कंप्लीट कराता है कौन, हमारा न्यूट्रल कराता है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर हमारा कोई संपर्क में आ जाएगा, अगर मैं इस वायर के, मैंने वायर को छू लिया, वायर से कहीं छिला हुआ था, इंसुलेशन हर वीक था, मैंने हाथ लगाया उसको करंट हुआ, यानी करंट लगेगा मेरे को, तो करंट क्या होगा, मेरी बॉडी से होता हुआ कहाँ चलेगा दोस्तों, अर्थ चलेगा, अर्थ में चला जाएगा। तो अर्थ क्या चलेगा, अर्थ में चला जाएगा। अब मान लो बात करूं मैं, इसमें हमारा दोस्तों 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा था, कितना फ्लो हो रहा था, 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है दोस्तों, कितना फ्लो हो रहा था, 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा था। अब दरअसल मैंने क्या करा भाई, कोई भी इसके संपर्क में आया, इसके संपर्क में कोई व्यक्ति आएगा दोस्तों, तो क्या हुआ, कुछ करंट क्या हुआ उसकी बॉडी में जाएगा। अब करंट के मान में क्या आ गई, चेंज आ गई, आपका चाहे 0.1 एम्पीयर हो, जितना भी अगर चेंज आएगा दोस्तों, जितना भी आपको कुछ भी चेंज आए, तो जनरली जो आपकी जो ये डिजाइन होती है बनती है किस चीज के लिए बनती है, आपको बताता हूँ, 30 मिली एम्पीयर के लिए बनती है, 100 मिली एम्पीयर के लिए बनती है, और 300 मिली एम्पीयर पे क्या होती है आपकी MCBA, RCCB, ELCB क्या होती है दोस्तों, डिजाइन होती है, ठीक है ना, 300 मिली एम्पीयर, 100 मिली एम्पीयर और 300 मिली एम्पीयर, 30, 100 और 300 मिली एम्पीयर पे क्या होती है दोस्तों, डिजाइन होती है, ठीक है ना। यानी करंट की वैल्यू में अगर चेंज आएगा दोस्तों, अगर मैं कोई भी व्यक्ति इसके संपर्क में आएगा तो कुछ करंट उससे होता हुआ क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा, ग्राउंड होने से यानी जितना करंट 5 एम्पीयर यहाँ से आ रहा था वापस 5 एम्पीयर नहीं जा सकता, यानी करंट में क्या आ गया दोस्तों, चेंज आ गया, करंट में क्या आ गया, चेंज आ गया। जब करंट में चेंज आएगा तो सर्किट की क्या हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि सर्किट में कहीं लीकेज हुआ है, क्या हुआ दोस्तों, सर्किट में लीकेज हुआ है, और सर्किट में लीकेज होगा तो हमारी RCCB क्या हो जाएगी दोस्तों, ट्रिप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, RCCB ट्रिप हो जाएगी, जो सेंसिंग कॉइल होती है करंट को सेंस कर लेती है, ठीक है दोस्तों, क्या कर लेगी, सेंस कर लेगी, करंट को सेंस करके ओवरलोड आएगा तो भी सेंस करेगी, ठीक है, और लीकेज होगा तो ये 30 मिली एम्पीयर पे ट्रिप हो जाएगी, 100 मिली एम्पीयर पे और 300 मिली एम्पीयर पे क्या हो जाएगी दोस्तों, ट्रिप हो जाएगी। नहीं, इतना करंट में अगर चेंज होगा तो हमारी क्या हो जाएगी, RCCB सर्किट को ट्रिप कर देगी, ठीक है दोस्तों। ये जनरली बनाई जाती है ह्यूमन की सेफ्टी के लिए होती है, ठीक है, आपको इस चीज का याद रखना है। चलिए इसके बात करते हैं, इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसका होता क्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं इसकी, इसकी बात करो दोस्तों इलेक्ट्रिकल लाइफ की बात करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिकल लाइफ की बात करते हैं, ठीक है, किसकी इलेक्ट्रिकल लाइफ होती कितनी है, तो इसकी इलेक्ट्रिकल लाइफ की बात करो दोस्तों, इसका होता है 10,000 ऑपरेशंस के लिए होती है, किसके लिए होती है दोस्तों, 10,000 ऑपरेशंस के लिए होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन कितना होगा, 10,000 ऑपरेशंस के लिए होती है, पूछा जाता है कि समय इसका कितना होता है, तो 10,000 ऑपरेशंस के लिए इसकी लाइफ होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मैकेनिकल लाइफ की, बात करते हैं दोस्तों मैकेनिकल लाइफ की, इसकी बात करते हैं, तो जो मैकेनिकल लाइफ होती है दोस्तों वो होती है 20,000 से 1 लाख, ठीक है, तो ये कितना होती है दोस्तों, 20,000 से 1 लाख ऑपरेशन होते हैं, इससे क्या होते हैं मैकेनिकल ऑपरेशन होते हैं। अवेलेबल कितनी होती है दोस्तों, अगर देखिए दोस्तों दो करंट होते हैं हमारे, ठीक है ना, एक रेटेड करंट होता है, रेटेड करंट होता है जिसको हम बताते हैं, मैंने आपको IN से शो कर देते हैं या नॉमिनल करंट बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो रेटेड करंट की बात करो दोस्तों, बात करते हैं इसको, एक रेटेड करंट हो गया हमारा और एक दूसरा आता है दोस्तों ट्रिप करंट, एक क्या आता है हमारा ट्रिप करंट आता है दोस्तों, क्या आता है ट्रिप करंट आता है, इसको बोल देते हैं रेसिडुअल करंट, क्या बोलते हैं रेसिडुअल करंट, क्या बोलते हैं दोस्तों रेसिडुअल करंट बोल देते हैं, ठीक है ना। तो जनरली ये भी हुई आती है हमारी 63 एम्पीयर हो गया, ठीक है दोस्तों, 32 एम्पीयर में आती है, 25 एम्पीयर में आती है, तो ये इसका जनरली वही रहेगा, ठीक है दोस्तों, यानी 25 एम्पीयर में होगी, 32 एम्पीयर में होगी, 63 एम्पीयर में क्या होती है जनरली अवेलेबल होती है, 10 एम्पीयर मान लो या 15 एम्पीयर में होती है जनरली, ठीक है ना। तो ये एम्पीयर में क्या होती है अवेलेबल होती है, रेटेड करंट जो नहीं की होती है, ठीक है, आपको इस चीज का याद रखना है। एक किस्म आता है 40 एम्पीयर में भी आती है, ठीक है दोस्तों, किस्म आती है 40 एम्पीयर में भी आती है, यानी जैसे जो हमारी RCCB मिलेगी या ELCB होगी इस एम्पीयर में हमारे अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में। बात करते हैं दोस्तों ट्रिप करंट की, यानी रेसिडुअल करंट, ये जो मेन करंट होता है इसका, ठीक है दोस्तों, जो ट्रिपिंग जो इसको ट्रिप करंट बोल देते हैं, रेसिडुअल करंट भी बोल देते हैं, तो ये कितना कितना होता है, अभी जैसे मैंने आपको ये लिखा था तो यही होता है दोस्तों 30 मिली एम्पीयर और कितना है दोस्तों 30 मिली एम्पीयर के बाद 100 मिली एम्पीयर और कितना दोस्तों 300 मिली एम्पीयर होता है, ठीक है दोस्तों, क्या होता है
300 मिली एम्पियर होता है। तो आपको इस चीज़ का याद रखना होगा दोस्तों, ठीक है ना। यानी आपको इन चीज़ का याद रखना है कि इलेक्ट्रिक लाइफ कितनी होती है, 10,000 ऑपरेशन होते हैं। मैकेनिकल लाइफ कितनी होती है, 20,000 ऑपरेशन से लेकर 1,00,000 ऑपरेशन तक इसके होते हैं। रेटेड करंट की बात करो दोस्तों, IN की बात करता हूँ, और जो आपका ट्रिप करंट होता है दोस्तों, इसको शो कर देते हैं डेल्टा IN से शो कर देते हैं। किससे बात कर देते हैं, डेल्टा डेल्टा देते हैं स्मॉल करंट के लिए, ठीक है ना। यानी मिली एम्पियर करंट है हमारा, तो इसको क्या लेते हैं डेल्टा IN बोल सकते हैं, ठीक है। आपको इस चीज़ का जनरली याद रखना है। ये 15 एम्पियर, 25 एम्पियर, 20 एम्पियर, 40 एम्पियर, 32 एम्पियर, 63 एम्पियर में क्या होती है अवेलेबल हमें होती है। और आपको इस चीज़ का याद रखना है दोस्तों, फुल फॉर्म तो अर्थली के सर्किट ब्रेकर होती है। RCCB क्या होती है, RCCB क्या होती है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर की क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। तो जनरली आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, और इनका वर्किंग भी दोस्तों लगभग सेम ही होता है। जैसे MCB आपको बताया था मैंने कि MCCB और MCB जनरली सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए होती है। ये जनरली यूज करते हैं हमारा ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। सिस्टम प्रोटेक्शन तो करेंगे, साथ साथ क्या करते हैं हमारा ह्यूमन प्रोटेक्शन का भी क्या करते हैं ख्याल रखती है दोस्तों। और लीकेज करंट हमारा होता है तो उस पर क्या होती है, ऑपरेट हो जाती है, सर्किट को क्या करती है, ट्रिप करा देती है, ठीक है। आपको इस चीज का दोस्तों याद रखना है, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोगों को दोस्तों वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी हो, कोई भी आपको डाउट लगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे फिलहाल इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, धन्यवाद।